बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नवीद और आप देख रहे हैं ऑन दी वे। आज मैं मौजूद हूँ एक और इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री भी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे दुनिया जहाँ से ऑर्डर्स आते हैं और मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग पे काम होता है। ये कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी के नाम की इसका फर्स्ट प्रोसेस होता है, जिसमें फ्यूजिंग लगाने के बाद फ्रेमिंग की जाती है। डिज़ाइन जिस कपड़े पर बनना है उसको फ्रेम में चिपकाया जाता है, फिट किया जाता है। उसके बाद ये कम्प्लीट होने के बाद चूल्हा के चूल्हा इसको इस जगह पर लेकर आया जाता है और इस तरह से रखकर रखने के बाद इसको प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। और इसकी प्लेसिंग भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह से होती है कि वो कहीं आगे पीछे ना हो, क्योंकि अगर फ्रेम आगे पीछे होगा तो फिर डिज़ाइन भी आगे पीछे होने का खतरा होता है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं अपने काम के अंदर। और आज जो मेरे पास पिक्चर मौजूद है वो बहुत छोटी सी उम्र से ये काम कर रहे हैं, इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इसकी ऑपरेटिंग मशीन है जिसका डिज़ाइन को दे दिया जाता है, उसके बाद ये इसका वो वाला हिस्सा होता है जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी मशीन चलती है। आज की वीडियो दिखाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि बहुत सारी जगहों पे आप और काम भी देख रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत फेमस काम है। इसलिए करा जाता है ताकि वो जो डिज़ाइन है वो इसको उभार के रखे, खूबसूरत हो जाए। तो ये लगाने के बाद जो है वो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बेसिकली आगा चेंज से स्टार्ट होता है, साइकिल चेंज होते हैं। आगे चेंज होते बदल लगाते हैं, एम्ब्रॉयडरी के काम में जो है गलती भी होती है, यानी येलो लगाना था तो रेड लगा दिया, रेड की जगह येलो लगा दिया, तो इस तरह से हुआ। और ये हमारा बेस्ट होता है, हमारा चेंज कर दिया।
थोड़ा नेट की टेंशन लेने के टाइम जो है वो खराब होता है। ये इसके नीचे वाले हिस्से का बाबिन करके लगती और इसका सिस्टम जो है वो नीचे का, ये इसका नीचे का सिस्टम, इसका ये ऑपरेटिंग वाला गेम होता है। धागा टूट गया क्या? रेड लाइट जो है वो इसमें जो है वो ब्लिंक करती है जब आपका धागा टूट जाता है। डिजाइनिंग के जो फ्लॉपी से लगते हैं यूएसबी से, यूएसबी यहाँ पे नाते हैं जी यूएस भी लगती है और इसके अलावा कहीं नहीं लगती। इसके अलावा ये पूरे सिस्टम में आपको कहीं भी नहीं लगेगी। तो जी भाई कौन सी मशीन है? बारोदान वाई एस। कौन सी? बारोदान वाई एस। बारोदान वाई एस, बारोदान वाई एस इस मशीन का नाम है। और ये जैपनीज मशीन है, चाइनीज मशीन है? जैपनीज नाम, जापानी मशीन है। काका माशाल्लाह बहुत अच्छा है इसका, काका बहुत अच्छा है। हाँ अभी ऑलमोस्ट कितनी देर का काम रह गया? अभी जमे लो 10 मिनट का रह गया। 10 मिनट का 8 इक्कीस का रहा है ना, 3600 चल रही। अब उसकी ले गई 5000 की बाकी रह गई। 5000 आपने देखा, मैंने आपको दिखाया।
तो ये एक डिज़ाइन है जो 12 मिनट का है, इसमें डिफरेंट जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप देखें जैसे कि ये कौन सी मशीन का कलर चेंज हो गया, इसको जब मशीन ऑटोमेटिकली रुकती है इसका मतलब ये कि इसका कलर चेंज होगा, यानी कि येलो कलर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इस पर कोई दूसरा कलर आएगा और ये दूसरा कलर स्टार्ट हुआ, मशीन खुद को घूमी और ये देखें ये सेकेंड कलर स्टार्ट हुआ है आई थिंक। चलो सॉरी ब्राउन कलर अब इसमें चलना स्टार्ट हुआ है। अब मैं आपको इस कारखाने की एक चीज़ और दिखाऊँ, जैसे कि ये फ्यूजिंग है, ये फ्यूजिंग कटती है, यहाँ पे कटने के बाद जो है वो ये पूरा कारखाना है और इस तरह से इसकी फ्यूजिंग होती है, ये ट्रेनिंग कहलाती है। कंप्लीट हो गया, ये डिज़ाइन ही मशीन से उतर के कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद इसको इस तरह से निकाल दिया जाता है, एक डिज़ाइन इनका ये चल रहा है और इससे भी डिफरेंट चीज़ें जो है वो बननी। छोटे ये कितनी देर का डिज़ाइन है, कितनी स्टिच का? 20,000 स्टिच का डिज़ाइन है, 40 मिनट का। 40 मिनट का
एक ना डिज़ाइन कंप्लीट हो गया कि फ्रेम जो है वो बाहर निकलेंगे ना, और सेकंड जो इसकी शेप है वो इसमें डाली जाएगी। डिज़ाइन इन्होंने पहले से अप्रूव किया हुआ है, जो इसी को पे नजर रखते थे, इस तरह से बनकर जो है एक साथ पेंट किया जाता है। वन टेक वीडियो इस वजह से बनाता हूँ कि आपको अंदाज़ा है कि ये इसका लेकर पीछे से कितना कलरफुल व्यू आ रहा है। मेरे पास ऑप्शन नहीं होता है दूसरा कि मैं किसी तरह से बैठे और दूसरी कोई चीज़ करता हूँ कि ये हीरो कितना रह गया भाई? एक दो हजार रह गई, आखिरी कलर चलने वाला है। बस सही है, आखिरी चलने वाला नाजिर मैं यहीं पे हैंड करूँगा हीरो के साथ ही। दिखने को तो ये कितना कोई
ये एंड है ना। जीरो इस टाइम पे घबरा गए, शायद जीरो से धागा नहीं चल रहा है सही तरह से, सुई टूट गई है नाज़रीन। अब ये सुई का एक और सिस्टम चेंज करने का, बंद कर दी। जैसे जैसे यहाँ पे स्पीड जो है वो बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो है वो आपको यहाँ पे स्पीड कम होते हुए नजर आएंगे। कितने स्पीड का डिजाइन है, ये स्पेशल है ना, स्पेशल जो नाइट हुआ हुआ आना ये रह गया है, ये इसके बाद भी है नहीं नहीं ये यही है। रिवर्स ये कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट होने के बाद ये धागे छोटे थोड़े आते हैं, छोड़ने के बाद जो इसको निकाला जाता है, ये निकालना जाता है। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट काम है, इस वजह से कि शायद लोगों को आसान लगता है कोई भी काम हो, अगर इंसान के पास वो हुनर होता है तो वो तो फिर सही है, अगर जिसको हुनर पर नहीं होता है अपनी किसी फील्ड में तो उसके लिए मुश्किल होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के काम जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अलहमदिल्ला माशा अल्लाह पूरी पूरी इंडस्ट्रीज हैं और बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं पॉजिटिविटी में पाकिस्तान को दिखाऊँ, अलहमदिल्ला मैं अभी तक पाकिस्तान को पॉजिटिव दिखा चुका हूँ। तो बस ये था हमारा ऑन दी डे। तो यार ये था मेरा आज का एपिसोड ऑन दी डे, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको एंजॉय करा होगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपने होस्ट अपने दोस्त सभी को इजाज़त दीजिए, ऑन दी डे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, कमेंट देना ना भूलें, मुझे बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आप इस तरह की वीडियो और मज़ीद देखना चाहते हैं। ये आज का जो काम था ये कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी पाकिस्तान में बहुत फेमस काम है और मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ किस्म के काम हो रहे हैं, पाकिस्तान कपड़े के हवाले से और एम्ब्रॉयडरी के हवाले से बहुत फेमस है। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।